नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की रिक्रूटमेंट 2019 क्लर्क की वैकेंसी आई है, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रही होंगी। तो ये आज ही की एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है। और इसमें जो है वो बताया गया है कि जो पहले की जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 35/2/2019 जो 30 अगस्त को आई थी, जो अमर उजाला में भी दी गई थी, उसके अंदर जो 85 पोस्ट थी क्लर्क की, अंडर 20% कोटा ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट कोड 746, उसमें जो है वो वैकेंसी जो है वो किसी भी टाइम बढ़ा या घटा सकते थे, ठीक है। तो उसी को लेकर जो है वो अब इसके अंदर जो है वो वैकेंसी जो है वो बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। इसका जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी मतलब अनाउंस कर दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 85 वैकेंसीज़ हैं, और जो वैकेंसीज है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो जो फ्रेश जो 8 मोर पोस्ट हैं जो क्लर्क की, 20% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थे वो रिसीव हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, और इनको भी जो है वो सेम पोस्ट कोड में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट्स जो थे इसका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि इसके अंदर जो है वो 85 पोस्ट जो है वो और पोस्ट जो है वो 8 पोस्ट जो है वो ऐड कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।